गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने कल यहाँ पे इसको छोड़ा था। हम पढ़ रहे थे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन में हमने श्रेणी क्रम देखा था और पहला संयोजन श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम में हमने पढ़ा था कि जितने भी तार हमें श्रेणी क्रम में जोड़ने हैं उनमें अपन उन तारों को इस प्रकार से जोड़ते हैं कि पहले तार का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे तार के पहले सिरे से और दूसरे तार का दूसरा सिरा जो है वो तीसरे तार के पहले सिरे से। इस प्रकार से जितने भी तार हमें जिस अनुसार भी हमें प्रतिरोध की आवश्यकता होती है उसके अनुरूप हम इस प्रकार से इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसे अपन कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने तीन प्रतिरोध तार ले रखे हैं। ये पहला तार जिसका प्रतिरोध आर वन है, ये दूसरा तार जिसका प्रतिरोध आर टू है और ये तीसरा तार हमने ले रखा है जिसका प्रतिरोध आर थ्री है। ये पहले तार का ये पहला सिरा ए जो है वो पहले तार का पहला सिरा है। पहले तार का दूसरा सिरा ये है जो दूसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है और ये दूसरे तार का दूसरा सिरा जो तीसरे तार के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से श्रेणी क्रम माना जाएगा। और ये पहले तार का जो पहला सिरा है इसको अपन ने यहाँ से जोड़ दिया बैटरी से और बैटरी का दूसरा सिरा कुंजी, कुंजी को अपन कहते हैं ऑन ऑफ, ऑन करते हैं ऑफ करते हैं इससे। और ये वाला जो तीसरा तार है, लास्ट वाला जो तार है उसका दूसरा वाला सिरा हमने यहाँ से कुंजी से होते हुए बैटरी के माइनस वाले सिरे से जोड़ रखा है। तो इस प्रकार से ये संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे अपन कुंजी लगाएंगे इसमें धारा प्रवाहित होती है। धारा की दिशा जैसा कि मैंने पहले भी बताया था जब अपन ने ओम का नियम पढ़ा था, धारा की दिशा हमेशा धन सिरे से और ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। तो ये एरो का चिन्ह यहाँ पर लगा रखा है और परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। आर हमने देख लिया, आर वन आर टू और आर थ्री है। अब पहले तार के सिरों पर जो विभवांतर है अर्थात बिंदु ए व बिंदु बी के मध्य जो विभवांतर है वो है वी ए, बिंदु बी और बिंदु सी के मध्य जो विभवांतर है वो है वी टू और बिंदु सी और बिंदु डी के मध्य जो विभवांतर है वो वी थ्री है। इस प्रकार से तीनों तारों का जो विभवांतर प्राप्त होता है वो है क्रमशः वी वन वी टू और वी थ्री। अब मुख्य रूप से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में मुख्य दो अंतर हैं जिनको अपन विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। पहला जो पॉइंट है, पहला जो अंतर है वो है श्रेणी क्रम के लिए सभी तारों में धारा समान होती है। क्या होगा, सभी तार जितने भी हमने प्रतिरोध तार ले रखे हैं, जितने भी तार ले रखे हैं सभी में जितनी धारा इस तार में से जाएगी उतनी ही धारा इस तार में से भी जाएगी और उतनी ही धारा तीसरे वायर में से भी प्रवाहित होती है। अर्थात तीनों प्रतिरोध तारों में धारा का मान समान होगा पूरे परिपथ में। और दूसरी बात है कि विभवांतर का जो मान है वो अलग अलग होता है, तो धारा समान और विभवांतर अलग होगा। जब अपन समांतर वन पढ़ेंगे उसमें वो बात अलग होगी, वहाँ वो पढ़ेंगे वहाँ पे कि धारा का मान वहाँ अलग होगा और वहाँ विभवांतर समान होगा। तो यहाँ ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे, श्रेणी क्रम में धारा समान, विभवांतर अलग और समांतर क्रम में धारा असमान होती है और विभवांतर समान होता है, उसमें उल्टा होगा। तो ये डायग्राम के अनुसार हम यहाँ पर लिखते हैं, माना प्रतिरोध तार का प्रतिरोध कितना है, R1 है R2 है R3 है, तीन वायर ले रखे हैं, वह प्रवाहित धारा कितनी है I है और उत्पन्न विभवांतर क्रमशः V1 पहले तार के लिए, V2 दूसरे तार के लिए और V3 तीसरे तार के लिए। तो ओम के नियमानुसार अपन क्या लिख सकते हैं, ओम का नियम अपन ने पढ़ा था V बराबर I R, V विभवांतर I धारा और R है यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध जो तीनों प्रतिरोधों से प्राप्त होता है। इसी ओम के नियम का अपन यहाँ पर उपयोग करेंगे, ओम के नियम के अनुसार ही अपन आगे के फॉर्मूले पढ़ेंगे और वो आगे के जो फॉर्मूले हैं वो है R1 के सिरों पर विभवांतर, जो हमने पहला तार लिया था उसके सिरों पर विभवांतर कितना था, V1 था।
धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I. I में I1 I2 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि धारा का मान समान है, जितनी धारा पहले तार में से है उतनी धारा दूसरे तार में से भी प्रवाहित होती है। तो धारा का मान कितना है I, प्रतिरोध कितना है पहले तार का R। यहाँ पर देखिए V1 बराबर I R1, इसी प्रकार से दूसरे तार के लिए क्या जाएगा V2 बराबर I R2, क्लियर है। तो ये दूसरे प्रतिरोध के लिए R2 बराबर क्या जाएगा V2 बराबर I R2, ठीक इसी प्रकार R3 तार तीसरा जो तार है उसके लिए विभवांतर कितना जाएगा V3 बराबर I R3। इस प्रकार से हमें समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण तीन प्राप्त होती है, तीनों तारों पर हमने विभवांतर निकाल लिया। अब अगर बैटरी जो हमने लगा रखी है उसका विभवांतर अगर V है तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर हो जाएगा तीनों तारों के विभवांतर का योग, पहले तार का विभवांतर V1, दूसरे तार का विभवांतर V2 और तीसरे तार का विभवांतर V3 है। और ये जो हमने बैटरी लगा रखी है इसका विभवांतर अगर V है तो वह V इन तीनों के योग के बराबर होगा, मतलब यहाँ से बैटरी से जितना भी विभवांतर प्राप्त हुआ वह विभवांतर तीन भागों में बट गया। जैसे मान लो यहाँ से इसका विभवांतर मान लो 10 है तो 10 के कितने टुकड़े होंगे, तीन टुकड़े होंगे, उनका मान समान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है इसलिए। तो 10 लेकिन इनका योग जो होगा तीनों का वो 10 आना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखोगे। तो V1 प्लस V2 और प्लस V3, समीकरण एक दो और तीन से क्या करेंगे, तीनों के मान लिख देंगे। तो V1 का मान कितना था, IR1 था, V2 का मान कितना था, IR2 था, और V3 का मान कितना था, IR3। इस प्रकार से हमने V1, V2 और V3 के यहाँ पर तीनों के मान हमने रख दिए। अब तीनों में देखिए आप, आपको कुछ लग रहा है ऐसी ऐसी राशि कोई लग रही है जो तीनों में है, जो कॉमन आ सकती है वो आपको लग रही है यहाँ पर I, जो धारा है वो तीनों में I, I और I तीनों में है ये, इसलिए I को अपन क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब I कॉमन आएगा तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, I कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया आपके V बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो यहाँ पर हम, हाँ तो हमने पढ़ा था I हमने यहाँ पर कॉमन लिया और अंदर कोष्ठक में R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ फिर समीकरण ए से, समीकरण ए से हम यहाँ पर V का मान रखेंगे। समीकरण ए में हमने पढ़ा था, देखिए यहाँ समीकरण ए में V बराबर क्या था, आई आर। तो यहाँ से हम मान रखेंगे V की जगह आई आर, आई से आई कट हो जाएगा, आई से आई कट होने पर क्या बचेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस प्रकार से जो तुल्य प्रतिरोध है वह परिपथ में जुड़े हुए सभी प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है। तो निष्कर्ष इसका क्या निकला, यह आ जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R जो है वो संयोजित प्रतिरोधों के योग के तुल्य होता है, ठीक है। तो यहां पर इसका मान लो ये R का मान 1 ओम है, R2 का मान मान लो 2 ओम है और R3 का मान 3 ओम है। तो R का मान कितना जाएगा, 1 प्लस 2 और प्लस 3, तो इन तीनों का जो योग होगा वो कितना जाएगा, 6। और तुल्य प्रतिरोध उसका कितना जाएगा, 6 ओम आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 6 ओम होगा। तो ये जो परिपथ है ये कितने ओम का काम करेगा, 6 ओम का काम करेगा। तो यहाँ पर ये श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट हुआ, इसको आप दोबारा देखेंगे। और इस पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एक उदाहरण है कि एक विद्युत परिपथ में 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध
समांतर क्रम में जुड़े हैं। ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है तीन ओम, चार ओम और पांच ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम वाला अपन आगे पढ़ेंगे तब वो एग्जाम्पल करेंगे, अभी अपन श्रेणी क्रम वाला एग्जाम्पल करते हैं। पहले तीन ओम, चार ओम और पांच ओम का जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इसमें जो बैटरी लगा रखी है वो कितने वोल्ट की लगा रखी है, 6 वोल्ट की। तो हमें मान किस किस के दे रखे हैं, देखिए ये डायग्राम वही डायग्राम है जो हमने पहले बना रखा था। R1 का मान कितना है 1 ओम, R2 का मान कितना है 4 ओम और R3 का मान कितना होगा 5 ओम। तो 3, 4, 5 दे रखे हैं और V बराबर कितना है हमारे पास में 6 ओम। तो यहाँ से हम सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध मैंने जैसे कि बताया था कि क्या हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 4 प्लस 5, तो 5 और 4 9 और 9 और 3 12। तो इस प्रकार से तुल्य प्रतिरोध का मान कितना जाएगा हमारे पास में 12। देखिए यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना माना गया, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया 12। तो किसका माना गया, तुल्य प्रतिरोध का, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा था। क्लियर है। उसके बाद तीनों प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है, ये अपन ने पढ़ा था पहले कि धारा का मान समान होता है लेकिन विभवांतर क्या होगा, अलग होगा। विभवांतर का मान अलग अलग होगा, धारा का मान समान होगा। धारा का मान जो समान होगा वो क्या होगा, आई बराबर वी बटे आई। वी का मान हमारे पास में कितना है 6। देखिए बैट इसमें दे रखा है, न्यूमेरिकल में भी दे रखा है, ये देखिए 6 वोल्ट। तो ये किसका मान है, वी का मान है। और आर का मान 12 हमने यहाँ निकाल लिया, तो 6 बटे 12 1/2। 1/2 को कितना जाएगा 0.5 एम्पियर। धारा को किस में पढ़ा जाता है, एम्पियर में, ये इसकी इकाई है। अब हमने धारा निकाल ली, पूछा क्या गया है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान प्रवाहित हो रही है और कितनी होगी 0.5 और 0.5। अब इसने क्या पूछा बी भाग में, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर इसका है V1, इसका है V2 और इसका है V3। तो इसके लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, V बराबर IR, तो V1 बराबर I1 R1, सॉरी V बराबर IR1, V2 बराबर क्या जाएगा IR2 और V3 बराबर क्या जाएगा IR3। ठीक है, तो इस प्रकार से V1, V2 और V3 हमें ज्ञात करना है। I का मान कितना है, कितना निकाला है हमने ऊपर 0.5। R का R1 का मान कितना है, R1 का मान हमें दे रखा है 3 ओम। तो 0.5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। इसी प्रकार जब V2 ज्ञात करेंगे तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। क्यों, क्योंकि R2 का मान हमें कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। तो यहां पर 3 ओम, 4 ओम और इसी प्रकार V3 का मान जब ज्ञात करेंगे तो I को किससे गुणा करेंगे, 5 से। 0.5 को किससे गुणा करेंगे, 5 से। इस प्रकार से हमें V1, V2 और V3 मिलेगा। देखिए यहाँ पर V1 बराबर IR1, I का मान 0.5, R का मान कितना है 3, तो ये कितना जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 1.5 वोल्ट। इसी प्रकार 4 ओम के सिरों पर विभवांतर V2 बराबर कितना जाएगा IR2, I का मान कितना है R का मान कितना है, दोनों का हमने मान रख दिया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 2.0। दशमलव की मल्टीप्लाई में आप ध्यान रखोगे, बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि 5 को 4 से गुणा करके दशमलव लगाना भूल जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखोगे, यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव आपको लिखना है। इसी प्रकार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 5 से करेंगे तो 2.5 को 5 से करेंगे तो 2.5 वोल्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये न्यूमेरिकल आप करोगे और समांतर क्रम वाला अपन कल पढ़ेंगे।
समांतर क्रम वाले में भी एक न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे और इन दोनों न्यूमेरिकल को आप दोबारा करके देखोगे। दोबारा करने के बाद में फिर इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं बुक में भी दे रखे हैं, मैं भी यहाँ असाइनमेंट में दे दूंगी आपको, तो वो आप करके देखोगे जिससे आप इसमें इस तरह के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको आप कर सको। धन्यवाद।